Good morning, all of you. Your today's first question is, which is the greatest number in between two numbers? 1 upon 4 and 2 upon 3. वन अपॉन फोर, ये प्लस का साइन बीच में से हटा लेता हूँ, हमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना, हमें तो केवल ये देखना है कि इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनका मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इस जो नीचे हमारा एलसीएम फॉर्म आता है उसको हम न्यूमरेटर वैल्यू से डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर वैल्यू से उसके आंसर का मल्टीप्लाई। जैसे 4 का 12 से किया, 4 3 जा 12 और 3 1 जा 3। सिमिलरली 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो अब इसमें प्लस तो करना है, 3 अपॉन 12 और 2 अपॉन 3 का 8 अपॉन 12। तो कौन सी डिजिट पड़ी है? 8। तो ग्रेटर देन कौन सा हो जाएगा? 2 अपॉन 3। सेकंड क्वेश्चन आपको मेरे को बताना है, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 2 में विच वैल्यू इज ग्रेटर देन। आज का थर्ड क्वेश्चन, 13 अपॉन 6 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यस, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो इसको। हम 6 2 जा 12 करेंगे, 12 के बाद जो हमारा 1 रिमाइंडर है हम डॉट लगाकर आगे नहीं करेंगे, हमें क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेना है। तो याद रखो, जिस जिसका टेबल हम कर रहे होते हैं वो नीचे जितने टाइम्स होता है वो यहाँ आता है और जो रिमाइंडर फॉर्म होती है वो यहाँ आती है, यानी ये टोटल की जगह है और ये रिमाइंडर की जगह है, और नीचे तो जो इसका डिवाइड कर रहे हो उसी से आएगा ही आएगा डिवीजन फॉर्म में। नेक्स्ट आप करके दिखाओ, 7 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अपॉन 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, मिक्स्ड आपको इन वर्ड्स में लिखना है, 2 3 अपॉन 5, इसको इन वर्ड्स में लिख के बताओ फ्रैक्शन को। थोड़ा पास हो गया, इसको दूर कर देता हूं, 3 अपॉन 4। तो हमारा ये 1 अपॉन 4 इस तरीके से होगा, हम अगर किसी भी डिजिट की इस जगह बिटवीन में रख देंगे ना तो ये कहलाता है 1 अपॉन 2 और ये हो जाता है 1 अपॉन 4 और ये हो जाता है 3 अपॉन 4, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 25 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 और 75 अपॉन 100, देन 100 अपॉन 100। तो 25 अपॉन 100 होता है 1 अपॉन 4, 50 अपॉन 100 होता है 1 अपॉन 2, 75 अपॉन 100 होता है 3 अपॉन 4 और 100 अपॉन 100 वन डिजिट अपनी कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे अगर मैंने इसका 5 1 अपॉन 4 कहा तो इस जगह पे हमारा प्लेस आ गया 5 1 अपॉन 4, और अगर मैं इसी जगह पे कह देता आपसे कि 4 1 अपॉन 2 तो इसको हम यहाँ लेकर या बिटवीन में लेके आ जाते हैं, ये बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया इसका 1 अपॉन 2, या मैं आपसे कह देता 3 अपॉन 2 तो यही 0 से स्टार्ट करके 3 3 अपॉन 4, तो ये हो जाता हमारा 3 3 अपॉन 4 और ये हो गया हमारा 4 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें 1 से लेके और नेक्स्ट यानी स्टार्टिंग डिजिट से लेकर एंडिंग डिजिट के बीच में ये पार्टीशन याद रखने हैं। फर्स्ट पार्टीशन 1 अपॉन 4, सेकेंड पार्टीशन 1 अपॉन 2 और थर्ड पार्टीशन 3 अपॉन 4। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया कि 21 रुपीज से लेके और 100 रुपीज तक का एक ग्रुप होता है, तो हमारा इसका 25, 50 और 75 और 100 जो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट ब्रेक आएगा वो 1 अपॉन 4 पे आएगा, सेकंड ब्रेक आएगा 1 अपॉन 2 पे आएगा, थर्ड ब्रेक 3 अपॉन 4 पे और लास्ट ब्रेक जो होगा वो डिजिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन 4, जिस तरीके से फोर्थ पार्ट है इसका, तो ये कट के बना जाता है। जैसे मैंने बताया 25 अपॉन 100, 50 अपॉन 100 और 75
75/100। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ये गर्वित के अलावा और किसी की आवाज नहीं आएगी क्या? नो सर। एक्सरसाइज 1 से 6 तक आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 से 6 तक में अगर किसी भी एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे कंफर्म कर लेना, अदरवाइज सॉरी 6 तक नहीं 7 तक, क्योंकि 6 तो आज हो गई। 1 से लेके 7 तक यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना, अदरवाइज मैं आपसे 1 से लेके 7 तक मैं आपसे पूछूंगा।